हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि बाइक का जो डिस्क ब्रेक है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे और आप लोगों ने बोला था कि ये जो डिस्क ब्रेक है वो कैसे काम करता है, आप बताइए। तो बेसिकली ये डिस्क ब्रेक है, ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ और साइड में मैं पिक्चर्स भी पोस्ट करते रहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। सबसे पहले ये जो है डिस्क ब्रेक का थोड़ा सा मैं आपको ब्रेकडाउन दे देता हूँ। ये जो डिस्क ब्रेक है ये उसका डिस्क है, ठीक है, ये जो है उसका कैलिपर है और उसके अंदर जो ये डिस्क ब्रेक को, ये जो आपका डिस्क है उसको होल्ड करने के लिए आता है, वो आता है ब्रेक पैड, ठीक है। वो ब्रेक पैड जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये एक, दो और तीन चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा एक हाइड्रोलिक टैंक भी होता है, ठीक है, जो कि आपके ब्रेक पैड को पुश करता है। और ये जो ब्रेक है दोस्तों, डिस्क ब्रेक, ठीक है, वो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूँ तो वो हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है। आप यहाँ से उसको देख सकते हो कि इसका यहाँ पे है। तो बेसिकली इसमें जो है वो आपका लिक्विड होता है, ठीक है। अभी आपको ब्रेक ऑयल के लिए कौन सा लिक्विड लगता है वो हमेशा आपके जो मैन्युफैक्चर है वो आपको यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा .3 और .4 ब्रेक ऑयल, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका जो ब्रेक ऑयल है, ठीक है, कंटेनर उसमें होगा। अभी ये आपको कितना ऑफन यूज़ करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही आपने यहाँ से प्रेस किया तो क्या होता है, इसके अंदर से जो लिक्विड है, ठीक है, वो यहाँ पे जाके पुश करता है, ठीक है। तो जिसके वजह से जो ब्रेक पैड्स है, ठीक है, वो बहुत फटाफट होता है, जिसके वजह से जो ब्रेक पैड है वो डिस्क को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ये आपका जो गाड़ी है वो रुक जाता है ब्रेक लगने की वजह से। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे होल्स है, ठीक है। तो ये कोई डिज़ाइन या स्टाइल या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको एक अलग रीज़न के वजह से बनाया गया है, जिसका काम ये है कि जब आप ब्रेकिंग करते हो, ठीक है, जब आप ब्रेकिंग करते हो तो ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, ठीक है, और ये सारा का सारा जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो होल रखे है, ठीक है, वो तो जैसे यहाँ से हवा आ रहा है और ये जो बेसिकली आपका जो होल है उसके अंदर से निकलेगा ऐसा, और आपका जो ये डिस्क है वो ठंडा हो जाएगा। आपने मे बी कभी ये चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप कहीं से आ रहे हो और उसके बाद अगर आप ये ब्रेक डिस्क है, ठीक है, अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो थोड़ा गर्म होगा। तो अगर आप ट्राई करने वाले तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल के, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है। आप जितना भी उसको यूज़ करते हो उसके हिसाब से ये गर्म होते रहता है, ठीक है। पर ये बेसिकली जो है आपका ब्रेक डिस्क है जो गर्म होता है और उसके इस बीच में ये जो छेद है वो उसको ठंडा करने के लिए यूज़ होते हैं। और ठीक है, आपका जो डिस्क ब्रेक है वो इस तरीके से काम करता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और दोस्तों अगर आप मुझे पूछोगे कि डिस्क वाला ब्रेक अच्छा है या फिर ड्रम वाला ब्रेक अच्छा है, तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि डिस्क और ड्रम में से अगर आपको चूज़ करना है तो बेसिक डिस्क चूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो बोल सकते हो कि जल्दी से जल्दी आपके गाड़ी को रुका भी देता है और वो ठंडा भी होता है और उसके बोल सकते हो कि बहुत ही कम नेगेटिव पॉइंट से अगर आपके कहीं से लिक्विड लीक हुआ तो ही, नहीं तो फिर उसके अलावा वो आपका हमेशा 100% काम करेगा। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपने अचानक से इसको ज़ोर से प्रेस कर दिया तो आपका गाड़ी जो है वो लॉक हो जाता है, ठीक है, आपका जो व्हील है वो लॉक हो जाता है और व्हील लॉक हो जाने की वजह से क्या होता है कि आप गिरते हो, ठीक है। तो कभी भी जो आपका डिस्क ब्रेक है, ठीक है, अगर आपके गाड़ी में डिस्क ब्रेक है चाहे आगे का हो या पीछे का हो, आप सडनली एकदम ऐसे ज़ोर से प्रेस मत कीजिएगा, ठीक है। डिस्क ब्रेक को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आपको डिस्क ब्रेक यूज़ करना है, ठीक है, तो बेसिकली आप या तो दो फिंगर या तो एक फिंगर से यूज़ करो, ठीक है। मैं मोस्टली मिडिल फिंगर से यूज़ करता हूँ, ठीक है, और वो भी एकदम से ज़ोर से नहीं, ठीक है। अगर आपने ऐसा दो हाथ रखा है तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्रेक है उसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और जिसके वजह से आपका जो डिस्क ब्रेक है ये वो लगेगा। और हमेशा यहाँ पर इस वॉइस को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक है ये वॉइस आपको बताता है कि आपको कब और कैसे आपका डिस्क ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है और आपको स्लोली प्रेस करना है, ठीक है। तो अगर मुझे आप बोलो कि डिस्क ब्रेक यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। मैं कभी भी चार फिंगर से डिस्क ब्रेक दोस्तों यूज़ नहीं करता, क्योंकि डिस्क ब्रेक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आपको हमेशा एक सिंगल फिंगर यहाँ पर रखना है और यूज़ करना है, या फिर अगर आपको सिंगल से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप दो फिंगर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी एकदम ज़ोर से दबाओगे तो आपका गाड़ी का टायर लॉक हो जाएगा और आप गिरोगे। आपको हमेशा डिस्क ब्रेक को यूज़ करना है स्लोली, ठीक है,
और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने ज़बरदस्त स्पीड में गाड़ी जा रहा है, पकड़ लो 60, 70, 80, और ज़ोर से डिस्क ब्रेक दबा दिया तो आपका व्हील लॉक हो जाएगा और आप परफेक्टली गिरोगे, ठीक है। तो बेसिक है, डिस्क ब्रेक बहुत स्लो तरीके से यूज़ कीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे कुछ वीडियो ये वीडियो से कुछ सीख पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ 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 सेफ राइडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।